हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज। 1972 में आपके लिए लेकर आया हूँ 12/2/2023 को आयोजित सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट का ये जीके एंड साइकोलॉजी का पेपर। यद्यपि ये साइंस के डिपार्टमेंट का पेपर है, लेकिन 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड की आयोजित हो रही है, उस एग्ज़ाम के लिए ये जीके और एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसमें आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, गोले काले करने के लिए बाल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाता है, और सभी क्वेश्चनों के नंबर जो होते हैं वो समान होते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 200 का होता है। पहला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? उत्तर होगा मैकमेसन। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था? उत्तर होगा नवीन राजस्थान। अगला है, मोतीलाल तेजावत खालिस्तान ठिकाने में कामदार थे? उत्तर होगा एक नंबर का झाड़ोल। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? इसका है गोकुल भाई भट्ट। अगला है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? इसका उत्तर होगा उदय सिंह। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? पय हरिस्वामी। अगला है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? उत्तर होगा चिड़िया टूक पहाड़ी पर। गहनेराव रिया भिनाय जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है? उत्तर होगा मारवाड़ स्कूल चित्रकला से। अगला है, अनवट अनोटा जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? उत्तर होगा पांव। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? उत्तर होगा जसनाथी संप्रदाय। फिर है, कुवल्ले माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है? उत्तर होगा 18 भाषाओं का। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही कौन सा है? बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी, ये सही है। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सेकेंड नंबर का, यानी सबसे पहले एक नंबर का। सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, फिर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, और फिर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगला है, कौन सा असंगत युग्म है? इसमें से गलत जो युग्म है जोड़ा है वो आपको पहचान है, तो एक नंबर का जो है ये गलत है, बाकी तीनों सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ से संबंधित है, कजली तीज उत्सव बूंदी से संबंधित है, शीत महोत्सव माउंट आबू से संबंधित है। प्रथम बार 7000 के मनसब और मियाँ और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो उत्तर होगा मान सिंह। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? उत्तर होगा महाराजा राज सिंह। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है? इसका उत्तर होगा दो नंबर का, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? उत्तर होगा राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बाकी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये सभी जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है, निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? इसका उत्तर होगा 30 से अधिक। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इसका उत्तर होगा H.M. माथुर। अगला है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो धारा 22। निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? उत्तर होगा दो नंबर का, सिरोही में नहीं है, बाकी अजमेर में भी है, डूंगरपुर केंद्र भी है और मंडोर केंद्र भी है। अगला है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्हरताओं यानी अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन आपको बताना है। ठीक है, तो 4 नंबर का जो है ये सही है, यानी न तो 1 और न ही 2 सही है, मतलब दोनों ही कथन जो है ये गलत, आप पढ़ लीजिए इनको, दोनों ही कथन गलत है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेय की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, 4 नंबर का जो है ये सम्मिलित नहीं है धन विधेय की परिभाषा में। ठीक है,
कि विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंध करता है। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनमें से सही विकल्प चुनिए। तो इसका उत्तर होगा एक नंबर का, एक और दो दोनों सही हैं। मतलब पहला कथन जो है वो भी सही है कि जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए, ये भी सही है। और दूसरा जो है, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, इनमें से किसको नहीं मिला है? डीआर मेहता को नहीं मिला है, बाकी आरएम लोटा को मिला है, सीन कोक निजाम को मिला है, के सी मालू को मिला है। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? उत्तर होगा 5 वर्ष तक। अगला है, देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरा ओलंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? इसका उत्तर होगा 3 पदक। अगला है, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? उत्तर होगा 110.77 मिलियन टन। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का। इसको आप अब करंट के आधार पर याद करो अब, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, फुटबॉल। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा बजट 2022-23 में। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनिए। तो इसका उत्तर जो होगा 3 नंबर का होगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। यानी पहला कथन भी सही है कि सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। दूसरा है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। इसमें अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट, ठीक है। और तीसरा जो है, 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है, ये भी सही है, ठीक है। अगला है, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प है? पहले नंबर का कि केवल 1 नंबर का कथन है, ये सही है कि ये योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? उत्तर है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा एकमात्र देश जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती हैं? उत्तर होगा कोलंबिया। फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवने सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं? इसका उत्तर होगा ध्रुवों के पास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? तो उत्तर होगा 3 नंबर का, ए, बी और सी, यानी शोर धब्बे, अलनिनो व लानिना और बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं। अगला है, सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? उत्तर होगा 3 नंबर का, दक्षिण अमेरिका। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है? उत्तर होगा 2 नंबर का, 281 मिलियन। अगला है, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है तो 4 नंबर का सही है कि दक्षिण में सबसे पहले पीर पंजाल, फिर उत्तर की तरफ आओगे तो जास्कर, फिर उत्तर की तरफ आओगे लद्दाख और फिर काराकोरम, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, अगरतला। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? उत्तर होगा 1 नंबर का, कावेरी। समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं किस प्रकार के वन? पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आद्र सदाबहार वन। अगला है, 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? उत्तर 4 नंबर का, गुजरात की। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा कपड़ा उद्योग। अगला है, किस देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया है? इसका उत्तर होगा बेल्जियम। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है।
तो 3 नंबर का सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, ये पहला भी सही है। अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा है और वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही हैं। अगला है, भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? उत्तर होगा 1 नंबर का कृषि लागत और कीमत आयोग। अगला है, भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 PM मित्र पार्क का संबंध किससे? उत्तर होगा वस्त्र उद्योगों के विकास से। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी? उत्तर होगा 2 नंबर का 26। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया था? अनुसूची 7वीं। गांधी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की थी? उत्तर होगा 7 नवंबर 1933 में। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? उत्तर होगा जस्टिस जे.एस. वर्मा। निम्नांकित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है? ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया है? 3 नंबर का राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा, ये नहीं जोड़ा गया, बाकी तीनों जोड़े गए, आप पढ़ लीजिए। अगला है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? उत्तर होगा 2 नंबर का अनुच्छेद 69(2). भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 75(1)(ख). अगला है, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें, इनमें से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोहिक काल क्रमोनिक क्रम है? आरोहिक, ठीक है ना, कालानुक्रमिक क्रम है। ठीक है, मतलब सबसे पहले कौन था, उसके बाद में कौन, उसके बाद में कौन, उसके बाद में कौन, ऐसे आपको बताना है। तो 2 नंबर का इसमें सही है, यानी पहले आएगा वीपी सिंह, उसके बाद में आएगा चंद्रशेखर, उसके बाद में आएगा पीवी नरसिम्हा राव, और उसके बाद में आएगा अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद में आएगा HD देवगौड़ा, उसके बाद में आएगा इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राजनीतिक दल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है, तो आपको सही कूट बताना है। 3 नंबर का कूट है, ये सही है, यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना हुई थी 1949 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी 1964 में, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1939 में। अगला है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर होगा 1927 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजनीतिक दल हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक है, तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो पहले नंबर का है, यही गलत है, बाकी तीनों सही है, आप पढ़ लीजिए इनको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, UN शांति अभियानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 नंबर का जो कथन है इसके अंदर वो सही है, 4 नंबर का, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों ही सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही सही है, मतलब 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय UN शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। UN चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है, ये भी सही है। UN चार्टर के अध्याय 7 में शांति शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्यवाही संबंधी प्रावधान है, ये भी सही है। UNO चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी तीनों ही विशेषता है, विप्रादेशीकरण, उपभोक्तावाद, एक रूपता। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स की उपलब्धि है, जिसका अर्थ है NORMS, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खां। अगला है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है, यानी
सबसे पहले सबसे ऊंचा, उसके बाद में उससे कम ऊंचा, उसके बाद में उससे कम ऊंचा, इस प्रकार से आपको बताना है, बताना है। तो पहला है ए, यानी सबसे ऊंचा है गुरु शिखर, फिर है शेर, फिर है दीलवाड़ा, फिर है अचलगढ़ और फिर है कुंभलगढ़। ठीक है, गुरु से जरा आशा रखो, गुरु से जरा आशा रखो, ये सूत्र याद करने का। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है उत्तर 2 नंबर का 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य। अगला, निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सहीकूट बताना, एक तरफ मुख्य नदी है दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है, आपको सहीकूट बताना है। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, मतलब चंबल नदी जो है इसकी सहायक नदी है सिवान और परवन, माही नदी की सहायक नदी है अनास और चाप, साबरमती की सहायक नदी है वाक्कल और हतमती, और बनास नदी की सहायक नदी है खारी और बांडी। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है, उत्तर होगा भील और मीणा। अगला है, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, उत्तर होगा 2 नंबर का, 1990-91 के अंदर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी है, उत्तर होगा 1 नंबर का, 70.73%। फिर है, लोको तथा केरिज वर्कशॉप अवस्थित है, उत्तर होगा अजमेर के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं, इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। अगला है, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सुमेलित कीजिए, एक तरफ ये प्रदेश हैं दूसरी तरफ उनके ग्रामीण पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो आपको इनको सुमेलित करके सही कूट बताना है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो 3 नंबर का होगा, ये आप ध्यान रखना। यानी मेवाड़ जो है इसका है हल्दी घाटी, मैनाल हाड़ोती जो है इसका होगा रामेश्वर महादेव सीताबाड़ी, मारवाड़ जो है इसका होगा ओसियां कीराड़ू मंदिर, और शेखावाटी जो है इसका होगा ताल छापर जीण माता। ठीक है, ये इसके हैं। अगला है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, मंडोर। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था, उत्तर होगा अक्षय कीर्ति व्यास। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी, तो इसका उत्तर है सांभर। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था, उत्तर होगा सोनगरा राज चौहान वंश। फिर अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है वह अवस्था है, उत्तर होगा बाल्यावस्था। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, ये निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो इसका उत्तर है B.F. स्किनर। अगला है, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, ये निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो उत्तर होगा E.L. थार्नडाइक। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है, कोहिलर। अगला है, व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है, इसका उत्तर होगा केटल। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं, उत्तर होगा अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अगला है, थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण TAT का उदाहरण कौन सा इनमें से, तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, प्रेक्षी परीक्षण। E.L. थार्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह है, उत्तर होगा बहुकारक सिद्धांत। अगला है, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान मनोवैज्ञानिक ने किया था, किसने किया था, स्टर्न ने। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा, उत्तर होगा प्रतिभाशाली। ये बुद्धि लब्धि याद करने का सूत्र याद करो आप, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है, उत्तर होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला है, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, इसका उत्तर है आवश्यकताओं से। कक्षा 7-8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे, इसका उत्तर होगा उच्च बुद्धि लब्धि। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत रूप का भिन्नता का आधार है,
कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? इसका उत्तर होगा बौद्धिक भिन्नता। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसको पसंद करने का गुण क्या कहलाता है? उत्तर होगा एक नंबर का अभिरुचि। अगला है अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? तो एक नंबर का है ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चार नंबर का कथन है ये सही है बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। अगला है निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है अनुप्रयुक्त, एप्लाइड मनोविज्ञान। अगला है व्यवहार में खालिस्तान परिवर्तन वृद्धि है, इसका उत्तर होगा एक नंबर का मात्रात्मक। और लास्ट क्वेश्चन है वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसमें गलत बताना है। तो वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये जो है क्या है सही नहीं है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इसी प्रकार के सेकंड ग्रेड के जितने पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप ये पूरे पेपर भी एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे ना तो सेकंड ग्रेड में आपको कोई रोकने वाला नहीं है।